अच्छा चलो मैडम को मेरा नंबर दिया है अपना। तो हमारे भाई असगर आ गए थे लेने के लिए, बारिश में भीग गए थे बहुत ज्यादा, और नहीं दिखाएंगे चेहरा, नहीं दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगा, मैं समोसे खा रहा हूँ। समोसे अकेले अकेले ना ना तू खा ले भाई। तो अभी हम बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। ऐसी अवस्था में तो कोई लोग निकलने के सोचेंगे भी नहीं, लेकिन हम स्कूल से निकल के यहाँ तक आ गए हैं। और ये भाई जो है बहुत बहुत रिस्क लेते हुए यहाँ पे हम रोड को पार कर रहे हैं, जो देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। गुड़गांव की बारिश बहुत अलग तरीके से होती है, जो आप लोग यहाँ रहेंगे तो अवश्य देख पाएंगे। देख रहे हैं, रहना है तो आ जाओ। लबालब पानी, गाँव की बारिश दिखाने वाले हैं और यहाँ पे अद्भुत नज़ारे हैं। एक नज़ारे में हम भी फंसे हुए हैं समोसे खाते हुए। चाय होती तो मज़ा आ जाता। हाँ हाँ चलो चाय। एक हमारे सरहोल का इंडिया गेट और एक मुल्ला अड्डा का इंडिया गेट। उससे मैंने समोसा मांगा, उसने चटनी डाल के दे दिया, समोसा मेरा बिक गया। कहाँ से लिया था वैसे? वहीं से जहाँ गाड़ी खड़ी थी अभी। हाँ एक घंटा हो गया समोसे लिए हुए। अच्छा तो जब से खा नहीं पाया तो? खा नहीं पाया, गर्म है बहुत। पानियों के छींटे उड़ाते हुए लड़की छई छप्पा छई छप्पा की छई। पर लड़की कहाँ है रे भैया? वहीं छोड़े जहाँ बैठे हो। हाँ वहाँ पे लड़की थी, बताया नहीं तुमने मुझे? गुड़गांव की बारिश, लबालब पानी में कैसे हैं आप दीदी? इसमें गाड़ी डूबती हुई है ये दोस्त लोग, आप लोग देखेंगे आर्ट की वीडियो की जगह। आज ये क्या दिखा रहा है रोहित का? जो रोहित आर्ट है वो जो होता है वही दिखाता है, फेक कुछ भी नहीं दिखाता। हाँ आपको लगता अलग है, वो अलग बात है, आपके दिमाग की थॉट है। बाहर का नज़ारा हुड्डा सिटी सेंटर पार्क है जो ये देख रहे हैं, कहलाता है लेजर वैली पार्क के जैसा ही पार्क है, देवीलाल पार्क। तो जस्ट महावीर चक्र कामडोरा आपका स्वागत है, वहाँ से गुजर रहे हैं। खराब हो गया, मम्मी ने लिया है। दोस्तों देखो इसकी बीवी ने इसको जूते दिलाए, पता है क्या कहा? अगर जूते खराब हो गए तो तुम घर में मत आना। इसीलिए बंदा बीवी की इज्जत का ख्याल रखते हुए जूते देखियो पैर में पकड़ के जा रहा है, हाथ में सॉरी पैर से उतार हाथ में पकड़ के ले जा रहा है। ये होती है बीवी का ख्वाब। वो वाली जो घटना थी, बीवी ने पढ़ने के बाद पति को छोड़ दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आजकल क्या ही बताऊं, पता है एक लड़की एक लड़के से प्यार कर सकती, हर चीज कर सकती है, लेकिन एक लड़की गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती। और वही एक लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर सकता है अगर अमीर को छोड़ के, अगर प्यार हो तो। और वो लड़का कभी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस बंदे ने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया भाई, पैसे उसने लोन पे लिए थे, पता है? पढ़ाने के लिए पैसे लोन पे लिए थे। और पता नहीं अपने वो बड़ी पोस्ट में पहुंचने के बाद पति को भूल गई, शादी कर ली किसी और से। फिर हाँ शादी कर ली होता है। ऐसा भी होता है असगर, जब असगर जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं लड़कियों के लिए, तो लड़कियाँ भी कुछ भी कर सकती है पैसे वालों के लिए। और ये घमंडी लड़कियाँ, शनि मंदिर है जो कि आप जो दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर। बारिश से लबालब हो चुका है, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। हम वहीं पे सरोल पहुंच जाते हैं और इसके बगल में बहुत सारा जो देख पा रहे हैं नज़ारा काफ़ी बदबूदार है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, पहुंचना पड़ेगा। पर यहाँ पे कहने का मतलब है बोलो मत, बहुत बुआ रहा है, चुपचाप सुनो और निकल लो। भाई ये देखिए नज़ारा सरोल का, अरे 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 गिरा देगा पानी। गाड़ी हमारी चल तो रही है, बजरंगबली को नमस्कार करते हुए हमारी गाड़ी आगे चल रही है। अब बजरंगबली जिसके साथ होती है उसके नैया क्या हर चीज पार हो जाता है, और कहां कहां पार हो जाता है ये भी नहीं बता सकते हैं। बंदे मातरम गली में कौन दारू पीने के बाद अच्छा। गली में नारे लगा रहे बंदे मातरम। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो दिखाना चाह रहा था नटखट न्यूज लाइव, जो आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे ये कैसी वीडियो आज रोहित दिखा रहा है, आज रोहित पागल हो गया क्या? तो जी आप लोग सही समझ रहे हैं, सच में मैं पागल हो जाता हूँ अपने वीडियो बनाने के लिए। मेरे को कैसे भी कंटेंट चाहिए होता है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता कैसा क्या वीडियो है, पहले बहुत सोचता था इसलिए दिक्कतें बहुत आई थी। आजकल जो कह दिया बस वही हो जाएगा। ये मदरसन कंपनी है जहाँ पे अक्सर लड़के लड़कियाँ दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, और जब ये ड्रेस पहन के निकलते हैं तो ऐसा लगता है बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
और यहाँ भी एक कंपनी है जो कि पहले परल थी और अब कुछ अलग तरीके की है जो देख पा रहे हैं। और ये बाहर से कंपनी कुछ मदरसन ऐसी दिखती है, ये बाहर का नज़ारा है। पहले रोहित आर्ट लिखा था, उस पर कोई पोस्टर लगा के चला गया। हमारे लिखने के बाद ये लोग कर्म कांड करना शुरू करते हैं। देखिए वो देखिए, एक पोल पे हमने रोहित आर्ट लिख दिया, वो पोल दो दिन बाद गिर गया। नाम तो भारी है लेकिन क्या करो। और अभी जो मैं एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मेरा बर्थडे आ रहा है यार, कोई सरप्राइज दे दो। इसका बर्थडे आ रहा है 5 तारीख को, कह रहा है कई दिन मेरा बर्थडे है, कल इसका बर्थडे है भाई। बस रूम पे ही देख ले, उसके बाद चलेंगे। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? मेरे चैनल का नाम है, क्या नाम है इसको नहीं पता, आप लोग बता देना। मेरे चैनल का नाम है आर के सिंह ब्रो। ये देखिए पीर बाबा है हमारे सरोल का, बहुत मशहूर मंदिर है और बजरंग बली के बगल में है। यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं मंदिर के सामने। बाढ़ आ गया है, बाढ़ ऊपर नहीं हो गया, पानी ऊपर हो गया, पानी ऊपर हो गया है भाई। भाई भाई कौन है? अभी एक मैडम जा रही थी रास्ते में, थोड़ा सा बच गई पानी से गिरने में। वो देखो मस्त नजारा, हम पे छीटे ना मार दे। हम शीशा नीचे कर ले, शीशे हम पे मार दे। हमारी कंपनी जो बड़ी बड़ी गाड़ी कंपनी जो पूरे सरोल के अंदर भी इतनी बारिश हो रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो सरोल है ना, अगर सरोल होता ना साफ होते, इसका नाम है सड़ोल। सड़ोल के देखो, बरसात के मौसम में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे छाता लेके निकल जाते हैं और कुछ बदमाशियाँ करते रहते हैं। और हमारे जैसे बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब रोड पर पानी दिखता था नहाते हुए जाते थे। कैसे कैसे देख को स्कूल में ही छोड़ते थे, सुबह आके फिर वही पढ़ने लगते थे। तुम सरकारी स्कूल की बात करोगे प्राइवेट स्कूल की? सरकारी स्कूल की, उतना हमारे पास पैसा नहीं था। ओके ओके, हमारे जैसे बहुत हमारे जो ऑडियंस है वो देख। एक चीज बताओ ऑडियंस, इतना मजा लड़की लेके भागने में भी नहीं है जितना मजा स्कूल के छुट्टी समय भागने में। गली में झांकते हुए बच्चे कुछ ऐसे नजर आते हैं, क्या करें इस तरह से। बच्चों को थोड़े बच्चे, तो बहुत ज्यादा बारिश आ रही है तो काम देखे। तो अभी हम जस्ट गली के अंदर चल गए हैं और देख पा रहे हैं कि भी हम स्कूल की पेंडिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। हमारी गाड़ी जस्ट अभी हमको बता रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं, किधर से ये था और उसके जस्ट पीछे हम रहते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं इसके अंदर हम अपने घर पे आ गए हैं। हमारा ये घर है, अड्डे पे लगा दो गाड़ी। तो अभी हम निकलते हैं गाड़ी देख उस तरीके, हमारी गाड़ी पार्क होगी उस तरीके। अब ये नज़ारा कुछ खड़का है, इसका भी काम चल रहा है पेंटिंग का।